दोस्तों, इस दुनिया में करीब 6,70,000 से भी ज्यादा आइलैंड्स हैं और इन्हीं सब आइलैंड्स में से एक है नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड। यह कुछ ऐसे चुनिंदा आइलैंड्स में से एक है जिधर लोगों के जाने पर बैन लगा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, इधर कोई भी इंसान नहीं जा सकता है और जो गलती से चला जाता है वो शायद ही कभी बाहर का रास्ता देख पाता है। तो क्या है इस आइलैंड्स में ऐसा? क्या ये शर्पित है या फिर इसके पीछे कोई कारण है? चलिए आइए जानते हैं सब कुछ आज के इस वीडियो में। सो वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान का चिराग, जहां पर हम बात करेंगे लेस नोन फैक्ट्स या किस्सों के बारे में जो किसी ने शायद ही पढ़ा होगा और सुना होगा। दोस्तों, नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड एक अंडमान आइलैंड्स का ही पार्ट है जो कि बे ऑफ बंगाल में लोकेटेड है। इस आइलैंड पर करीब 60,000 सालों से एक ही ट्राइब रह रही है जिसे सेंटिनलीज के नाम से जाना जाता है। कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से ऐसा माना जाता है कि इन सेंटिनलीज की संख्या 80 से लेकर 150 या फिर 500 लोगों तक भी हो सकती है। दोस्तों, इसी के साथ साथ इंडियन गवर्नमेंट द्वारा इस आइलैंड के 3 नॉटिकल माइल्स तक के एरिया को एबोरिजिनल ट्राइब्स एक्ट 1956 के अंडर ट्राइबल रिजर्व एंड एक्सक्लूसिव जोन घोषित किया गया है, जिसकी वजह से कहीं से भी किसी भी तरह के टूरिस्ट को इस एरिया में जाना अलाउड नहीं है। यहां तक कि कोई इंडियंस भी नहीं जा सकता है। दोस्तों, हमारे इंडियन गवर्नमेंट द्वारा कई सारे अटेम्प्ट्स किए गए हैं इन सेंटिनलीज से कम्युनिकेट करने की, पर हर बार ही ये अनसक्सेसफुल हो जाते हैं। जैसे कि ईयर 1967 या वो साल था जब गवर्नमेंट ने टीएन पंडित, जो कि एक जाने माने एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, इनके साथ मिलकर सेंटिनलीज के साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश की थी, जिसके लिए सरकार द्वारा उनके लिए गिफ्ट्स भी भेजे गए थे, पर उनको अनफॉर्चुनेटली उन गिफ्ट्स को रिजेक्ट कर दिया गया था। ईयर 1970, पंडित जी की टीम जिसने 1967 में पहली बार ट्राई किया था, उन्होंने साल 1970 में दोबारा एक बार फिर से दोस्ती का हाथ बढ़ाने की कोशिश की थी, जिसके बाद उनको उसमें भी असफलता मिली। ईयर 2004, दोस्तों अगर आपको याद होगा तो इस साल इंडियन ओशन में एक बहुत ही भयंकर अर्थक्वेक आया था, जिसकी वजह से हमें आसपास के एरियाज में सुनामी भी देखने को मिली थी। इस सुनामी ने इंडियन ओशन के करीब रहने वाले 2,30,000 से भी ज्यादा लोगों को मार दिया था। इस इंसिडेंट के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने आइलैंड पर सर्वे के लिए हेलीकॉप्टर्स भी भेजे थे, जिधर उनको डिस्ट्रक्शन का कोई ज्यादा बड़ा साइन नहीं मिला था। ईयर 2006, या सेंटिनलीज ट्राइब किसी भी बाहरी लोगों से दोस्ती नहीं करना चाहते थे। यह इसी बात से पता चलता है कि जब उन्होंने 2 इंडियन फिशरमैन को जान से मार दिया था, जिनकी बोट गलती से आइलैंड के बहुत पास आ गई थी। दोस्तों, इतना ही नहीं, इस ट्राइब के साथ हमारे बहुत सारे इनकाउंटर्स भी हुए हैं, जैसे कि साल 1867 में जब 106 लोगों का सामना सेंटिनलीज से हुआ था, तब वह जान बचाकर भागने में कामयाब रहे थे। इस कहानी की शुरुआत तब हुई थी जब साल 1867 में निनेवा, जो कि इंडियन मर्चेंट शिप है, वो नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर क्रैश कर गई थी। इस शिप में करीब 86 पैसेंजर्स और 20 क्रूमैन भी थे। सारे लोग सेफली आइलैंड पर पहुंच गए थे, पर अचानक थर्ड डे उन सभी यात्रियों पर सेंटिनलीज ट्राइब द्वारा अटैक कर दिया गया था। शिप के कैप्टन के हिसाब से सेंटिनलीज लोग पूरे नेकेड थे, उनके छोटे बाल थे और इसी के साथ साथ सभी लोगों ने अपने नाक को रेड कलर से पेंट किया हुआ था, और इसी के साथ साथ वे बहुत ही अजीब अजीब सी आवाजें भी निकाल रहे थे। सभी पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स ने अपने आप को पत्थरों और डंडों की मदद से बचाया था, जिसका उन्होंने अपने सेल्फ डिफेंस के लिए यूज किया था, जिधर उन्हें ब्रिटिश रॉयल नेवी ने रेस्क्यू कर लिया था और वह सभी लोग बच गए थे। दोस्तों, यह सेंटिनलीज ट्राइब बहुत ही समय से इसी आइलैंड पर रह रही है। यह अपना ज्यादातर खाना शिकार करके लाते हैं और इनके ज्यादातर वेपन्स जानवरों की हड्डियों से बने होते हैं। इधर जाना किसी के लिए भी खतरे से खाली नहीं है। ऐसा देखा गया है कि इधर जो भी जाता है, इधर के आदिवासी उन पर हमला कर देते हैं और जान से मार देते हैं। ऐसा हाल ही में 2018 में भी देखने को मिला था, जब एक अमेरिकन जिसका नाम जॉन एलन चाउ था, जो कि इल्लीगली उधर घूमने गया था, पर उसको उधर उस ट्राइब द्वारा मार दिया गया था। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपके क्या विचार हैं? क्या आप भी ऐसे ही आइलैंड पर जाना पसंद करेंगे? अगर हाँ तो हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। तो चलिए मित्रों, मिलते हैं आपसे ऐसे ही अगले मजेदार वीडियो में, जिधर हम ऐसे ही अनसुने टॉपिक्स पर वीडियो लाते रहेंगे। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी जल्द से जल्द कीजिए और ऐसे ही अपडेट्स पाते रहिए। मिलते हैं आपसे अगले मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।